दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। पुलिस फोर्स पहुंच गई है प्याली चौक रोड जाम खुलवाने के लिए। लोगों को हटाया जा रहा है। ये देखिए सब डंडे बंडे लेकर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से तैयारी करके पुलिस यहां पर पहुंची है और लोगों को देखिए यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। देखिए एसीपी साहब, एसएचओ साहब, तमाम पुलिस कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं भैया जाम छोड़ो, रास्ते से हट जाओ। पुलिस फोर्स देखिए लोगों को समझा रही, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई हम जो है नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आप लोग पुलिस वाला कुछ करेगा तबे तो पुलिस वाला करने रहता जाम तो लगेगा। और पुलिस वाला कुछ करेगा तो जाम नहीं लगेगा। हट जाओ आप, हाँ हट जाओ, जाओ क्यों जाएंगे भाई, इंसान मिलना चाहिए उसको। नहीं हटेंगे हम लोग, नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। इधर दिखाएंगे हमारे कैमरा मैन, देखिए कई पुलिस कर्मी आ चुके हैं और तमाम देखिए सत्य और जैसे की साहब तमाम लोग आ चुके हैं। दो दो तीन तीन थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और एक बार तो ये थोड़ा सा प्रेशर बना रहे थे कि भाई हट जाओ, लेकिन लोग नहीं हटे, नहीं हट रहे हैं। और लोग देखिए नाराज है, गुस्से में, आक्रोशित है। सब डंडे वंडे लेकर पहुंची है पुलिस, लेकिन लोग नहीं डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई हम तो नहीं हटेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों तमाम संगठन के लोग भी यहाँ पर, हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए भाई पुलिस लोगों को समझा रही है, लेकिन लोग नहीं हट रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर रोड जाम किया गया है। रवि पुजारी का मर्डर करने का कल प्रयास किया गया, गला रेतने का प्रयास किया गया। सुबह से मारा बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। न्यू जनता कॉलोनी में काफी खून खराबा किया, लेकिन उनको पकड़ा नहीं गया अब तक। तो यही वजह है रोड जाम करने की। आप लोग देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग रोड पर बैठ चुके हैं। पुलिस समझा रही है, कह रही भाई हम अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कहना है जब तक आप उनको पकड़ नहीं लोगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो काफी जमावड़ा है लोगों का भी, पुलिस प्रशासन का भी। देखिए भाई है उसे बातचीत कर रहे हैं सचिव साहब और इनका बार बार यही कहना है कि भाई रिटर्न में एप्लीकेशन दो, रिटर्न में एप्लीकेशन दो, रिटर्न में एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इधर तमाम देखिए बजरंग दल वाले भी पहुंच चुके हैं। ये पुनीत वगैरह भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। भाई ये क्या वारदात हुई, रोड जाम किया गया है? रोड जाम भैया यहाँ के आप देख रहे हो कि लोगों में ही ज्यादा आक्रोश है। अब तक तो बात ये थी कि कहीं भी अगर धर्म पे बात आती थी खाली बजरंग दल फाइट करता था। इधर आ जाए, अब हिंदू समाज एक हो चुका है। हिंदू समाज खुद रोड पे है, हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। देखो माता है, आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़ी है। इनको रोडों पे आना पड़ा क्योंकि सरकार के पास में मैसेज नहीं जा रहा कि हिंदू खतरे में है। 35 से 40 लव जिहाद के केस अभी आप देख रहे थे, परसों एक एमपी की लड़की उसके साथ हुआ। आज का एक मुकदमा है जो आगे आज से बढ़िया धुरंधर है ना, उनपे एक आज मुकदमा दर्ज एक और हो जाएगा उन धुरंधरों पे। लव जिहाद का मामला नाबालिग बच्ची था, 35 से 40 नाबालिग के केस, वो सारे के सारे फरीदाबाद से क्यों निकल के आ रहे हैं? और उसके बाद में कहीं मार पिटाई हो रही है, कहीं कोई मार रहा है, कहीं देखा है कोई हिंदू सनातनी धर्म का बच्चा कोई मार रहा हो? हम किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहे। अभी तक तो क्या था, बजरंग दल ही आ जाओ जी, बजरंग दल खड़े हो जाओ। लोग आ चुके हैं रोड पे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो इनके साथ खड़े हैं। जहां हमारा समाज खड़ा है वहां हम खड़े हैं। लोग रोडों पे हैं। अब एक ये बहुत बड़ा केस है, अब अभी तक तो सुनते थे सर तन से जुदा, अब देख रहे हैं कि मंदिर के बाहर एक पुजारी अपना लोटा हुआ है बच्चों को लेके, वो तो अच्छा छोटे से बच्चों पे वार नहीं हो पाया, उसने बचाए अपने बच्चे कैसे, और यहाँ पे गला उसका गला रेत दिया, सुए मारे, छाती पे मारे, पेट में मारे, है ना पूरा। और जबकि अब देख रहे हो इतने अपने इलाके में बहुसंख्यक होके हिंदू अल्पसंख्यक बन चुका है, क्योंकि अगर जरा सा आप रोड पे आए तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। वीडियो बना रहे, खूब बना लो, खूब कर लो। अब तो समाज में होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी सरकार अब ये बात को मान ले। अगर आप हिंदुओं के लिए इनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, यूपी में क्यों नहीं होता? जो एक आध कांड करता तुरंत एनकाउंटर कर लो कोई साहब, गाड़ी हुई पलट जाती है, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। अगर इस तरीके से बुलडोजर चढ़ जाते हैं घर, जिसके घर बर्बाद हो जाए, रोड से मिल जाए, वो ऐप करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा एक मिनट के लिए भी। तो यूपी की तरीके से यहाँ कोई या तो सीएम आ जाए, नहीं सरकार यहाँ से जाने वाली है, ये हकीकत है। लेकिन सरकार तो आपकी है, भाजपा की है? नहीं, सरकार हमारी नहीं है, हम किसी सरकार के आदमी नहीं, हम तो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। देश की बात आएगी तो हम वहाँ वोट करते हैं अपना, जहाँ हमें जरूरत है, और वहीं करिए ठोक के अब भी। और सरकार भी आई है, लेकिन
अगर ये राज्य सरकार जैसे यूपी में सरकार है, यहाँ लोग क्यों कहते हैं योगी चाहिए योगी चाहिए, योगी योगी की जरूरत है देश को है, ऐसा सीएम चाहिए यहाँ पे ढाकड़ आदमी। इतने बड़े कांड में तो अब तक फोन आता है, यूं पकड़ो और एनकाउंटर करो इनका, कौन है किसी के बच्चे के लिए रेतने की कोशिश। गैंग है भाई साहब, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं तो। ये चुलकोटों की जो गैंग है ना इनकी, इनको ये बता दे कि भैया अपने घर में शांति तरीके से बैठ लो, माहौल खराब करने की कोशिश करो। ये छोटे छोटे बच्चे जो रोड पे आए हैं ना, इनके हाथ में पेन है, ये अपने हाथ में कुछ और ले लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये है ना, इस बहम में ना रहे, ये वो धर्म योद्धा है जो 20,000 की भीड़ में अपनी बहन बेटियों को 5.5 घंटे लड़के सुरक्षित बचा के लाए थे नूकान से, है ना, ये वो योद्धा है। तो ये ध्यान रखे कि बिल्कुल भी कोई खुरापाती ना करे। जो रात हो रहे हैं यार, कल रात में इतना बड़ा बवाल कर दिया इन्हें, इन तो डर ही नहीं रहे हैं लोगों से, बिल्कुल नहीं डर, बिल्कुल यूं नहीं डर रहे ना, क्योंकि इनके पास में कोई अब सिस्टम नहीं बचा और कुछ, पढ़ाई लिखाई पे जोर दे नहीं रहे। अगर ये पढ़े लिखे इनको क्राइम करने की जरूरत क्या रहे, सट्टेबाजी गांजा ये सब काम हो रहे हैं। आप कितने भी धुरंधर उठा के देख लो, लिस्ट सबके पास है प्रशासन की, सबके काम गांजा के, दारू के और अवैध कब्जे, इन्हीं में इनके मैटर होते हैं, यही कर रहे हैं। इनपे करो कार्रवाई, इनकी कमर तोड़ दो। किराएदार भरे पड़े हैं और हिंदू लोग ही किराए पर रख रहे हैं इनको, ये तभी तो कर रहे हैं। अभी वो नाई का पकड़ा था एक, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर भी यही मामला है, क्यों कर रख रहे हो भाई, जो गलत काम कर रहा है उसको सजा दो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन करो। और एक्शन ऐसे नहीं होता, आपने उठाया केस रजिस्टर, अरे केस जाके देखो ना, इनका मैं 70% इनसे ऊपर, इन से ही भरी पड़ी है। आप उनका एक्शन करो तुरंत, यही एक आध का टायर पंचर करो, एक का टायर पंचर हो, ये भरना बंद कर देंगे। अभी होता नहीं, अभी प्रशासन को जरूरत है कि फरीदाबाद में जितने भी क्राइम कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दे। जब घर टूटेगा ना, बच्चे रोडों पे आएंगे, भूखे प्यासे मरेंगे, अपने आप छोड़ देंगे क्राइम। यूपी का काम करें यहाँ पे, इस सरकार को क्यों नहीं बोलते, नेताओं को क्यों नहीं बोलते यहाँ फरीदाबाद का? मैं नेताओं को तो बोल रहे हैं, लेकिन नेताओं को समझ में नहीं आ रही, नेताओं को लगता है ये घोर घट के अपने पास ही आ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जीत हुई लोकसभा में, लोकसभा में तो देखो देश की बात थी, हमने तो दिया अपना वोट मोदी जी, यहाँ में कोई है नहीं, लेकिन राज्य में तो सरकार ही चली जाएगी, ऐसे रात जाएगी जाने वाली है। आपने देखा नहीं लोकसभा में भी यहाँ से सीट गई है, जिस हिसाब से इनकी वोट परसेंटेज 40% भी नहीं है, तो ऑलरेडी उनकी ज्यादा है। और बात उनकी इनकी नहीं है, जो जो हमारे सनातन की बात करेगा वो सरकार किसी की भी, हम तो उसका साथ देंगे। जो क्राइम रोकने की बात करेगा ये है, ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इधर पुलिस से बहस चल रही है, वो भी दिखाएंगे आपको। देखिए पुलिस लगातार लोगों से बोल रही है कि हटो, लेकिन भाई लोग नहीं हट रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग जिनको भी खबर लग रही है कि यहाँ रोड जाम हुआ है, और जिनको भी इस वारदात के बारे में पता चल रहा है वो यहीं पर पहुंच रहा है। और धीरे धीरे जो सैकड़ों की संख्या थी, कम से कम 500 की संख्या पहुंच चुकी है, और थोड़ी देर और रोड जाम रहा। आप फोटो डालो ना उनकी, मैं फोटो देता हूँ, 4 किलोमीटरों की भेजो यार, आपको फोटो भेजते हैं, फोटो दिखाओ, मेरे नंबर पे आप डालो, अभी डालता हूँ, 9953939371। जो ये बदमाशी कर रहे हैं दोस्तों, हाँ 9953939371। तो ये जो लगातार बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस भी कार्रवाई करे और आप भी कार्रवाई करो, कहीं भी एक चूक करे तो आप हमें भी बता दिया करो, हम भी लगातार आपसे बोलते रहते हैं कि भाई इसकी इंफॉर्मेशन देते रहो, ताकि इनका इलाज करवाया जाए पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए। लेकिन कई बार लोग बताते ही नहीं है, और यही वजह है कि ये लोग लगातार वारदातें करते रहते हैं। थोड़ा सा देखिए रास्ता क्लियर करवाया है पुलिस ने, अब देखिए भारी संख्या में फोर्स उधर पहुंची हुई है, देखिए भारी संख्या में फोर्स भी यहाँ पर पहुंची हुई है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है रोड खोलने के लिए, रोड जाम खत्म करने के लिए। तो थोड़ा सा पब्लिक शांत पड़ी है और कुछ गाड़ियां निकल रही हैं, देखते हैं पुलिस, देखिए लगातार लोगों को बता रही है, और कम खाली कर दो ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो जाए, लोग यहाँ से निकल जाए। आप थोड़ा सा आते हैं, धीरे धीरे करके लोग रोड से हट रहे हैं, काफी धूप भी है, धूप की वजह से भी लोग साइड में हो लिए हैं। तो लगातार आपने पहली तरफ से लाइव देखा फरीदाबाद न्यूज, और हमने आपको दिखाया है वारदात के बारे में, लोग किस तरह से आक्रोशित हैं,
वो भी हमने आपको लाइव दिखाया है। फिर से जोड़ेंगे आपको फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह।